हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक गेना फ्री फायर का एक मैच। और दोस्तों, मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे सोलो वर्जन स्क्वाड। और इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे कोई भी खेले हुए गेम प्ले को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो बेशक आप अपलोड कर सकते हो। मैं किसी भी भाई को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देने वाला और ना ही मुझे कोई क्रेडिट की जरूरत है। तो आप एज इट इज़ मेरे जो भी खेले हुए गेम प्ले हैं उसको उठाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो। और चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा मैच दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले उतरने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे और भी कर रहे हैं और ये सारे सब मतलब स्क्वाड वाले बंदे और मैं यहाँ पे सिंगल हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे किल करना स्टार्ट करते हैं। इन बंदों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अब यार काफ़ी सारे एनिमी आ गए और मैं हमेशा से मैं यही चाहता हूँ कि यार काफ़ी सारे हमें एनिमी मिले और ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किल करके दिखा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने एक को कर दिया यहाँ पे नॉक डाउन। और दोस्तों, ये लेकिन मैं इसमें दूसरे को भी कर दिया। और दोस्तों, एक उधर और आप देख सकते हो एक उधर, और दोस्तों एक इस साइड से और दौड़ता हुआ है। चलिए, हम इसके साथ भी कुछ फाइट कर लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे तीनों को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है और एक और है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस वाले गन से थोड़ा सा परसादी दे देता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको भी नॉकआउट यहाँ पे कर दिया। और आप लोग देख सकते हो मेरे पास अच्छी गन अब तक नहीं है, ना ही मेरे सर पे हेलमेट है और ना ही मेरे पास बॉडी आर्मर है। तो मुझे चाहिए यार काफ़ी सारा वेस्ट। और चलिए, मैं सबसे पहले इन लोगों को तो मैंने मार दिया और मेरे पास हुए हैं अभी तक 2 किल और नॉकआउट पड़े हैं सारे के सारे प्लेयर और वो धीरे धीरे किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक पूरी उतरी थी एक स्क्वाड और मैंने पूरी स्क्वाड को कर दिया यहाँ पे ख़त्म। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अभी भी मेरे पास कोई भी अच्छी गन नहीं है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ढूंढता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो जिसको मैंने नॉकआउट किया था उसका एक और मुझे यहाँ पर किल मिल चुका है और मेरे पास हो चुका है यहाँ पर 3 किल। और यहाँ पे अभी भी एक बंदा मेरे को दिख गया दोस्तों, सामने वाले घर में कुछ उछल कूद कर रहा है। तो सबसे पहले चलिए इस कोड के इस बंदे को भी हम यहाँ से किल करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाकी प्लेयरों को तो मैंने यहाँ पे किल कर दिया और ये छुप कर इस घर में शायद छुप गया। ये भाई साहब अभी भी शायद यहाँ से कुछ लूट कलेक्ट कर ही रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लूट कलेक्ट कराता हूँ। मैं इसको पीछे से मैं इस पर फायर करने वाला हूँ इस घर के पे। और शायद यहाँ पे कोई और भी एक बंदा है जो मेरे पे पीछे से फायर कर रहा है। तो कोई बात नहीं, पहले मैं जल्दी जल्दी से करके अपनी पोजीशन ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इस बंदे को मारता हूँ। मुझे 100% श्योर हूँ वो बंदा इसी घर के अंदर है। और देखिए, मैं उसका अभी यहाँ पर कैसे किल करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये अभी भी उछल कूद कर रहा है और साथ में शायद किसी पे साइड में फायरिंग कर रहा है। और ये लीजिए, मैंने इसको यहाँ पर बुलेट अच्छे खासे डैमेज दे दिया और अब ये बंदा भाग रहा है। और भागने तो मैं इसको दूंगा नहीं और मैं इसका किल कर ही दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी देखता हूँ इस पर, तो मेरा एम नहीं बैठ रहा है तो मैं इसके पीछे तेज़ी से दौड़ता हूँ। और ये देखिए, ये पानी में तैरते हुए जा रहा है और देखते हैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर मेरा अभी भी एम नहीं लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा एम कलेक्ट हुआ और मैंने जैसे एम डिटेक्ट हुआ मैंने इस पर फायर कर दिया और ये बंदा भाग ही रहा है। और शायद ज़्यादा पानी में जाना मेरे लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए मेरी भलाई इसी में होगी कि मैं यहाँ से बैक आ जाऊँ, क्योंकि अब मैं उस पर एम भी नहीं कर पा रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। और मेरे पास इतनी कोई अच्छी गन भी नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे 2x है तो मैं 2x से ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से साइड में हो जाता हूँ, शायद 2x उसको अगर डिटेक्ट कर लेता है तो मैं उसको ईजिली किल कर दूँगा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 2x डिटेक्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, छोड़ रहा है। और वो बंदा अंदर की साइड में पोजिशन ले ली उसने। तो अब क्या करना है भाई, पानी के अंदर तो हमें भी उतरना पड़ेगा और उस बंदे को तो किल करना ही नहीं, तो वो मुझे किल कर देगा। तो मैं जा रहा हूँ उस बंदे को किल करने और देखते हैं वो बंदा मेरे को किल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, या मैं ही उसका किल ले लेता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 3 किल और ये पूरी स्क्वाड उतरी थी, स्क्वाड में से एक मेंबर बचा हुआ है। और ये लीजिए, इसका मैंने यहाँ पे इजीली किल कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे मैंने पूरी एक स्क्वाड निपटा दी है और यहाँ से इसके पास से क्या सामान है वो ले लेता हूँ। तो दोस्तों, इसके पास भी कोई अच्छी गन तो मुझे नहीं मिली, शायद इसीलिए किल हो गया। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर मलम पट्टी कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों हेल्थ इस गेम में काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ और भी सामान पड़ा हुआ है, लूट पड़ी हुई है, तो मैं ये सारी लूट नहीं लेने वाला और इस चीज़ का मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये टूल किट का। और टूल किट का यूज़ करने के बाद चलिए अब देखते हैं और कहाँ कहाँ स्क्वाड हैं और कहाँ कहाँ बंदे हैं और क्या वो बंदे मेरे को मार पाते हैं या मैं उनका इजीली किल ले पाता हूँ। तो सामने एक मकान है और एक्चुअली इस मैप के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है किधर क्या है। और बरमूडा वाला मैप है उसके बारे में मेरे काफ़ी कुछ पता है। और दोस्तों, मुझे यहाँ से मिल चुकी एक स्कारल और एक हेल्थ किट और एक ड्रम और एक बैग नहीं था, पता नहीं क्या था ये। और यहाँ पे मिला है मुझे 2x का 6 स्कोप। और चलिए आगे की ओर देखते हैं यहाँ पे। तो शायद मुझे पानी के इस पार जाना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी तैराकी कर लेता हूँ और तैर के मैं जल्दी से उस पार पहुँच जाता हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है। दोस्तों, सामने एक साइड मैंने एक बंदे को स्पॉट किया है और देखते हैं वो बंदा मेरे हाथ लगता है कि नहीं। जैसे हाथ लगेगा मैं उसको ज़रूर किल कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर दौड़ रहा हूँ
और अभी भी मैं दौड़ ही रहा हूँ, और वो बंदा पता नहीं, वो देख सकते हो दोस्तों ड्रम पहन के दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसको चलिए मैं यहाँ पे ड्रम पहनाता हूँ। मेरे पास है स्कारेल और मैं स्कारेल शॉट मार देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे एम लेने की ट्राई कर रहा हूँ कि नॉकआउट कर दिया, और उसने मेरे बदले में मेरे को कुछ देख सकते हो मैं भी थोड़ा यहाँ पे डैमेज हो गया, और मैं जल्दी से इसके पास क्या लूट है देख लेता हूँ। तो ये बंदा यहाँ पे ड्रम पहन के घूम रहा था और मैंने इसको इजीली किल कर दिया। ओ इस मकान के अंदर भी शायद कोई बंदा है मुझे ऐसा लगा, तो सबसे पहले उस बंदे को मारता हूँ, बाकी मैं इसके जो भी लूट का सामान है वो बाद में कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखता हूँ, शायद ये मेरा वहम है, इसके अंदर घर के अंदर शायद कोई भी नहीं है, और यहाँ पर लूट पड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक और स्कारेल है, तो मैं स्कारेल के साथ स्कारेल रिप्लेस कर लेता हूँ, शायद अगर इसकी बुलेट बढ़ जाए तो। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई भी बुलेट नहीं बढ़ी, वो सिर्फ पबजी के अंदर ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं बाहर निकलता हूँ और इस बंदे की सबसे पहले लूट कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या क्या माल मटेरियल था इस ड्रम वाले बंदे के पास, और ये ड्रम पहन के कहाँ जा रहा था वो तो हमें नहीं पता। और ये देख सकते हो दोस्तों लेवल 2 का बैग, हेल्थ किट और काफ़ी सारी मुझे बुलेट्स एमओ वगैरह मिल चुकी हैं, और मेरे पास है स्कारेल जैसी एक अच्छी गन। तो स्कारेल जैसी अच्छी गन के साथ साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हो सर्कल थोड़ा सा मेरे अपोजिट साइड में है, तो मुझे सबसे पहले सर्कल में पहुंचना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कल में पहुंचते हैं और वहां पे और बंदे मिलेंगे और फाइट कर रहे होंगे और हम उनको इजीली किल कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर सर्कल की तरफ, और दोस्तों आप लोग देख सकते हो सर्कल के बाहर भी कहीं फाइट हो रही है और मुझे कुछ बुलेट्स के यहाँ पे निशान या सिम्बल्स वगैरह दिखाई दिए। तो चलिए देखते हैं कौन बंदा कहाँ लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, और उनका हम फैसला करते हैं। दोस्तों मैंने उस बंदे को स्पॉट कर लिया, वो काफ़ी ऊंचाई पे आप लोग देख सकते हो, ये लीजिए दोस्तों मैंने उसको यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, और नॉकआउट करते ही मेरा हो गया यहाँ पे 5 किल, और 5वां किल मैंने उस ड्रम वाले बंदे का किया था, 4 मैंने एक स्कॉड को लिपटा दिया। और अभी भी देख सकते हो दोस्तों कुछ फायरिंग की मेरे को और आवाज़ आ रही है, और मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया, वो सामने से दौड़ के आ रहा है, और शायद ये उसका टीममेट था तो उसको रिवाइज करने की कोशिश जरूर करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं मारूंगा, मैं इसके पहले पोजीशन देख लेता हूँ किस ओर दौड़ रहा है। तो ये दोस्तों ये बेसिकली ऊपर की साइड ही दौड़ रहा है, और इसका प्लेयर को मैंने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था, शायद ये इसीलिए दौड़ रहा है। तो क्यों ना जब इसको ये रिवाइज करेगा मैं तभी इसको भी ढेर कर दूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे, उसने अपने प्लेयर को रिवाइज कर दिया और वो दौड़ गया, और जो इस प्लेयर को उसने रिवाइज किया उसने उसको यहाँ पे काफ़ी सारा डैमेज दे दिया, और दोस्तों वो भी मेरे को सामने फायर करा। मैंने यहाँ पे स्कारेल निकाली और स्कारेल की बुलेट उसको दाग दी, और आप लोग देख सकते हो वो भी नॉकआउट हो गया। और दोस्तों मैंने इसी तरह इजीली इन दोनों दोस्तों का भी यहाँ पे किल कर दिया। और चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट ले लेता हूँ और अच्छी खासी लूट, और सिट। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने पीछे से मेरे को भी मार दिया, और इस बंदे ने मेरे को मारा, और इस भाई साहब का तो सिर्फ 1 किल और मेरे यहाँ पे हो चुके थे 6 किल। तो कुछ इस तरह के भी आप लोग देख सकते हो हालात हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। अगर आप भी मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो मेरी आईडी डिस्प्ले हो रही है, आप मेरे को रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मुझे किसी भी प्रो प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, मैं नूब प्लेयर के साथ भी गेम खेलना पसंद करूँगा।